नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज, मैं हूं नीता मिश्रा। बिहार बाढ़ से बेहाल है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास अब रहने को घर तक नहीं। झंझारपुर, मधुबनी, कई ऐसे परिवार हैं जिनका घर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। 1500 ऐसे परिवार हैं जो NH-57 पर रहने को मजबूर हैं। NH-57 पर जो डिवाइडर बना है, वहीं पे परिवार झुंगी झोपड़ी डालकर जिंदगी बिता रहे हैं। वो परिवार ऐसे जरूर है जो बाढ़ से खुद को बचा चुके हैं, लेकिन तेज रफ्तार में उनकी जिंदगी फंसी हुई है। नवनीत बताएंगे कि किस प्रकार वो लोग जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जी नवनीत, देखिए विनीता, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बेहद हैरान कर रही है। और जिस तरह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी के इलाके जो हैं वो बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, उन इलाकों के लोगों के सामने पहले तो पानी से बचने की जहदोजहद थी और उस क्रम में लोग अपना घर बार जो सब कुछ उनका जलमग्न हो चुका है, जल में समाहित हो चुका है, तो इन लोगों के पास अब शरण लेने के लिए सिर्फ जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग बचे हैं, चूँकि वो काफ़ी ऊंचे हैं। तो ऐसे में मधुबनी और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के आसपास के निचले इलाकों के बाढ़ से प्रभावित करीब 1500 से अधिक परिवार जो हैं इस वक्त जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 57 उस पर शरण लिए हुए हैं। और उसके राष्ट्रीय राजमार्ग के जो बीच में डिवाइडर है, उस डिवाइडर पर इन्होंने अपना आसियाना बना रखा है। वो प्लास्टिक की थैलियों से उन्होंने अपना टेंट बनाया है और उसी में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ साथ अपने मवेशियों के साथ भी वो उसी NH-57 पर शरण लिए हुए हैं। उनकी जिंदगी जो है काफी कष्ट से भरी हुई है और किसी तरह वो अपने मतलब जीवन को बचाने की जो जंग है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपदा के इस घड़ी में जो परिवार NH-57 पे शरण लिए हुए हैं उनके बीच सरकार द्वारा अभी तक राहत बचाव को लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। वहाँ पे कोई कम्युनिटी किचन की व्यवस्था नहीं है, तो वैसे में ये परिवार किसी भी तरह कुछ भी करके अपना गुजारा जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो इन परिवारों के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। और लेकिन साथ ही चूँकि ये लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पे रह रहे हैं, चूँकि वहाँ पे दोनों तरफ सड़क है और वहाँ पे तेज रफ्तार वाहन आ जा रहे हैं, तो उसमें कई बार इनके बच्चे जो हैं वो सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, मारे भी गए हैं। तो वैसे में इन परिवारों के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाले हालात बनी हुई है, क्योंकि अगर वो अपने घर जा नहीं सकते वहाँ उनका घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जो हाईवे पे है वो एक तरह से मौत के मुहाने पे वो लोग रह रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच बाढ़ की स्थिति जो है वो बेहद भयावह है। और सबसे बड़ी बात है कि राहत और बचाव को लेकर के जो सरकार की पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ ने लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी हालत जो है, जो जीवन यापन गुजारे के लिए लोग जो जिस हालात में रह रहे हैं, वो हालात की जो तस्वीरें आ रही है वो हृदय को विचलित कर रही है। और उसी का नज़ारा राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर भी देखने को भी नीता मिल रहा है। वाकई भले ही सरकार लाख दावे करे कि वो बाढ़ से राहत और बचाव के लिए कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अगर सरकार वाकई काम करती, बाढ़ से लोगों को राहत पहुंचाती, तो 1500 परिवार NH-57 के डिवाइडर पर रहने को मजबूर ना होता। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।